हाय फ्रेंड्स, मैं आप सभी का आप ही के अपने यूट्यूब चैनल पर दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एंटिटी से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट के बारे में। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए एंटिटी क्या है। तो इट इज़ नर्सरी टीचर ट्रेनिंग। तो आपके बहुत से भाई बहन या फिर आपके फ्रेंड्स ने भी हो सकता है यहाँ पर एंटिटी की हो, तो उनसे रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ है कि किस तरह से यहाँ पर जो बहुत से शिक्षक हैं वो एंटिटी के लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर लगभग 4000 वैकेंसीज आने की यहाँ पर पूरी संभावना है। तो हिमाचल प्रदेश से नर्सरी टीचर ट्रेनिंग एंटिटी करने वाले हज़ारों कैंडिडेट्स ऐसे हैं, ठीक है, जो कि आप कह सकते हैं शिक्षक भर्ती से बाहर हो चुके हैं, ठीक है। तो बेसिकली ये प्री प्राइमरी शिक्षक भर्ती होती है, तो यहाँ से बाहर हो चुके हैं। इसका बेसिकली जो कारण बताया जा रहा है ये है कि जो बेसिकली NCTI होता है, ठीक है, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, उसने कहा है कि प्रदेश का कोई भी एंटिटी संस्थान मान्य नहीं है। तो कोई भी यहाँ पे जो संस्थान है हिमाचल प्रदेश का HP का, वो मान्य नहीं है। तो शिक्षा मंत्रालय ने राज्य सरकार को इस बारे में पत्र भेज दिया है। प्रदेश से कोर्स करने वालों को इससे झटका लगा। तो जिन्होंने भी HP से NTT किया है, तो बेसिकली उनका जो, जैसे आपको पता होगा इंजीनियरिंग होता है तो वो किससे जो सर्टिफिकेशन होता है उसको AICTE से होता है, ठीक है, वैसे ही यहाँ पे जो NTT का सर्टिफिकेशन है हिमाचल प्रदेश में किसी भी इंस्टीट्यूट को नहीं मिला हुआ है NCTI से। तो आप देख सकते हैं अन्य राज्यों के मान्यता प्राप्त संस्थानों से प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी भर्ती में शामिल हो सकेंगे। और अगर किसी ने अन्य स्टेट से लाइक पंजाब, हरियाणा या फिर आप कह सकते J&K वगैरह से भी किया हो, तो वो यहाँ पे अगर उनका यहाँ पे अगर NCTI से अंडर आता है तो वो यहाँ पे शामिल हो सकते हैं, ठीक है, अगर उनका प्रॉपर यहाँ पे अगर एफिलिएशन प्राप्त है उस एंटिटी जो कॉलेज यहाँ पे उन्होंने यहाँ पे एंटिटी की है। तो आप देख सकते हैं प्रदेश के सरकारी स्कूलों में नर्सरी और KG कक्षाओं के बच्चों को पढ़ाने के लिए 4000 शिक्षक भर्ती होने हैं। शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया शुरू होने से पहले NTT के मान्यता प्राप्त संस्थानों की पड़ताल स्टार्ट हो चुकी है। तो यहाँ पे संस्थानों की जहाँ आप देख सकते हैं यहाँ पड़ताल स्टार्ट हो चुकी है। केंद्र ने प्रधान सचिव शिक्षा को पत्र भेजा है। शिक्षा विभाग कैबिनेट को इससे अवगत करवाएगा। और आपको पता है 26 मई के दिन, आज ही के दिन, ये बेसिकली कैबिनेट मीटिंग में भी इसके बारे में चर्चा होती हुई देखने को जरूर मिलने वाली है। और देख सकते हैं वर्ष 2010 से ही NCTI ने बंद किया मान्यता देना। तो 2010 से ही मान्यता मिलनी बंद हो चुकी है। तो अभी जिन्होंने रिसेंटली संस्थान वगैरह ओपन किए हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि वहाँ से अगर आप NTT कर रहे हो, हजार पैसे खर्च रहे हो, तो उसका कोई फ़ायदा है। तो आप देख सकते हैं NCTI ने 2010 से ही एंटिटी संस्थानों को मान्यता देना बंद कर दिया है। इसके बावजूद भी देश भर में कई निजी संस्थानों ने 2 वर्ष की अवधि का कोई कोर्स बेसिकली जारी रखा। तो जब ऑलरेडी NCTI ने यहाँ पे मान्यता देना बंद कर दिया, फिर क्यों यहाँ पे जारी किया गया, क्यों इस यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरह से इसको जो कोर्सेस को जारी रखा गया, तो ये बिल्कुल भी वैध नहीं था। प्रदेश में 2010 से पहले खुले किसी भी NCTI संस्थान ने मान्यता प्राप्त नहीं की। हज़ारों लोगों को यहाँ से कोर्स किया है, तो हज़ारों लोगों ने यहाँ से कोर्स किया है, बस किसी की भी यहाँ पर मान्यता प्राप्त नहीं है। तो देखना होगा किस तरह से यहाँ पे आज की जो कैबिनेट मीटिंग है उसके ऊपर में यहाँ की इसके बारे में चर्चा होती है। तो अगर कुछ भी पॉजिटिव डेवलपमेंट आती है तो डेफिनेटली वी विल डिस्कस इन अवर अपकमिंग वीडियो। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय फॉर नाउ, एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।